जहां एक ओर केंद्र और राज्य सरकारें हर भारतीय नागरिक को आधार कार्ड बनवाकर उसे प्रयोग में लाकर सरकारी जनहित योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित कर रही है, वहीं दूसरी ओर ललितपुर जिले के बुंदेलखंड क्षेत्र बार ब्लॉक के ग्राम पंचायत बानपुर में ऐसा भी एक समुदाय है जिनको आज तक ना आधार कार्ड बना, ना वोटर आईडी बनी है, ना किसी भी जनहितैषी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। खाने कमाने को जाते हैं, बैलगाड़ी यहीं बांध के चले जाते हैं, सामान वगैरह यहीं रख के चले जाएंगे, फिर बाहर निकलेंगे बच्चे लोगों को लेके, हमारे चार बच्चे, हम दो आदमी हैं, तो इसीलिए हमें बहुत परेशानी होती है। बच्चों को कहीं हमको रहने देते, कहीं नहीं रहने देते, वहाँ से यहाँ से भगाया वहाँ चले जाते हैं, और इसीलिए बहुत दिक्कत होती है हम लोगों को। ना हमारा कोई पहचान पत्र बना, ना कोई हमारा वोटर लिस्ट बना, ना कोई आधार कार्ड बना। क्या योजनाओं का लाभ मिलता है आपके लिए? नहीं मिलता है। कभी आपने कोशिश की इसके लिए? हमने बहुत कोशिश की लेकिन हमें मिला ही नहीं है। क्या बोलते हैं बोलो? वे लोग कहते हैं कि हो जाएगा, यहाँ 20 साल से लगा के 40 साल हो गया, हमको यहाँ कुछ नहीं मिला है। बहुत हमने कोशिश की है। आप क्या काम करते हो? हम लोहे का धंधा करते हैं, लोहे कुल्हाड़ी बनाते हैं, हंसिया बनाते हैं, ये खुरपी बनाते हैं, कुदला बनाते हैं, लेकिन हमको बहुत ही समस्या है, बहुत ही दिक्कत है हम लोग। हम स्कूल में पढ़ाने चाहते हैं, जगह लेने चाहते हैं, और हमारा औरतों को पैरने नहीं है, बच्चे को उड़ने फिरने को नहीं मिलता है, खाने को नहीं मिलता है, एक टेम्पो, तो हम यही सोचते हैं कि हम स्थायी रह कर कुछ हम बनना चाहते हैं। गुरु सरकार से ये चाहते हैं हमको जगह दिलवा दो, हमको कुटिया मुटिया दिलवा दो, थोड़ी बहुत तो हम वहाँ डले रहेंगे, वहाँ खाएंगे पिएंगे, तुम हमारी सरकार हमारी मदद करो। इस वीडियो को देखने वाले आप सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि आप लोग ललितपुर जिले के DM के मोबाइल नंबर पर फोन करें ताकि इनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। DM का मोबाइल नंबर है 94-54-41-75-49। और मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि इस जाति के लोगों का सर्वेक्षण कराकर सर्वांगीण विकास करवाएं। मैं शंकर लाल बुंदेलखंड से ललितपुर से इंडिया अनहर्ड के लिए।